यूनिट नंबर 10 हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ बेसिक्स के बारे में बताया था कि एनर्जी कंजर्वेशन में कि एनर्जी ऑडिट का क्या मतलब होता है, क्या इसका महत्व है हमारे लिए, कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इस बारे में चर्चा हुई थी। एक बार थोड़ा सा फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एनर्जी ऑडिट का जो अभिप्राय होता है वो क्या होता है। तो देखो, एनर्जी ऑडिट का मतलब क्या है कि किसी भी संस्था में या किसी भी संगठन में, किसी भी उद्योग में ओवरऑल ऊर्जा के लाभ का ये विश्लेषण करना, ठीक है, मतलब एनालिसिस करना, लागत लाभ के विश्लेषण के साथ साथ ऊर्जा दक्षता में, एनर्जी एफिशिएंसी में क्या सुधार कर सकते हैं इसकी सिफारिशें करना, तथा ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए कोई एक प्लानिंग, कोई कार्य योजना बनाना, ठीक है, और जिसकी निगरानी भी करना और उसका बाद में विश्लेषण भी करना, ठीक है। अर्थात किसी भी प्रकार से किसी भी संस्था में एक गणना करना और गणना करने के बाद उस गणना पे उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, और विश्लेषण करने के पश्चात कि क्या आपकी तरफ से ऊर्जा लेखा अधिकारी की तरफ से या कोई भी जो ऊर्जा लेखा परीक्षक है उसके द्वारा क्या किसी प्रकार की सिफारिश दी जा रही है, सजेशंस दिए जा रहे हैं, उसके द्वारा हम क्या कहीं पे ऊर्जा की बचत को, ऊर्जा की लागत को कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या क्या किस तरीके से कम कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा करना। तो ये ऊर्जा ऑडिट का बेसिक सवाल होता है। आवश्यकता हमारी क्यों है? आवश्यकता इसलिए है बेटा कि देखो, किसी भी उद्योग में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट हैं, तो हमें ऊर्जा की जो, खासकर ऊर्जा के अलावा जो हमारा श्रम है, मैन पावर है, या जो हमारा कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल, कच्चा सामान है या जो भी सामग्री है, इन सबको कहाँ पे, इन तीनों के बीच में कहाँ पे हम ऊर्जा की लागत को कमी ला सकते हैं, क्या उसकी संभावना की तलाश करना कि हम ऐसा क्या करें कि हम कहीं पे श्रम को कम कर लें, सामग्री कम कर लें और बेहतरीन तरीके से ऊर्जा दक्षता को प्राप्त कर सकें। तो इस बारे में भी हमारी एक आवश्यकता बन के आती है कि जहाँ जहाँ सुधार हो सके, किसी भी क्षेत्र में सुधार हो सके, ठीक है, तो उन सुधार में जहाँ सुधार की गुंजाइश हो वहाँ सुधार किया जाए और कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए जाएं कि ऊर्जा की पूर्ति भी हमें लगातार बनी रहे और विश्वसनीयता भी बनी रहे। विश्वसनीयता मतलब कि जो भी हम ऑडिट कर रहे हैं, जो भी हम विश्लेषण कर रहे हैं, जो सिफारिशें दे रहे हैं ऊर्जा लेखा परीक्षक, उसकी विश्वसनीयता भी बनी रहे, ठीक है। इस सब चीज़ें हमारे पास एक बेसिक आइडिया है मिला करके इसमें कि हमें ऊर्जा को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है, दक्षता के साथ, ठीक है, दक्षता के साथ इस्तेमाल करना है। ये हमारा एनर्जी ऑडिट का एक बेसिक समझ आवश्यकता होती है। अब प्रकार देखो क्या होते हैं। प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक होते हैं, टारगेटेड होता है, और डिटेल्ड होता है। ये एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जो होते हैं, ठीक है। देखिए, प्रारंभिक प्रकार है, लक्षित है और विस्तृत है, ये तीन प्रकार है। प्रारंभिक मतलब क्या होता है? जैसे प्रारंभिक में आप तो इस प्रकार से समझ लीजिए कि प्रारंभिक ऊर्जा परीक्षा में हम बहुत ही छोटे पैमाने पे, बहुत ही बेसिक लेवल पे, ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन मेथड कह सकते हैं कि देख करके परीक्षण करना, ठीक है, उसके द्वारा एक ऑडिट करते हैं, एक परीक्षा करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जैसे आप अपने घर पे हो और आपके घर में मान लो कि चार रूम है, ठीक है, एक किचन है, एक बाथरूम है, ऐसे करके मान लो ऐसे कुछ भी है, ठीक है ना। तो आप एक जनरल वॉक कर रहे हैं, वॉक मतलब कि आप टहलते टहलते आपने देखा कि इस कमरे की लाइट ज़्यादा है, जल रही है फालतू की है, या फ़ैन फालतू चल रहा है, या एसी चल रहा है फालतू का, टीवी चल रहा है, गैस है तो सिलेंडर से रिजर्व हो रहा है, वहाँ पे कोई नॉक नहीं ऑफ है, बाथरूम में जो है वो पानी का टैप खुला हुआ है, इस तरह की चीज़ें। तो
ये क्या है कि बेसिक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, प्रारंभिक लेवल पे क्या है कि जहाँ भी ऊर्जा बचने की संभावना है उसको हम बचाने का प्रयास से लिखा हुआ हुआ है कि संगठन में ऊर्जा की खपत को स्थापित करना, ठीक है, क्या क्या हमारे पास उत्पादन के हैं, डाटा है उसको प्राप्त करना, ठीक है, ऊर्जा बचत कहाँ हो सकती है, क्या उसकी गुंजाइश है इसका अनुमान लगाना, ठीक है, ध्यान के लिए सबसे अधिक संभावना और सबसे आसान क्षेत्रों के रूप में पहचान करना, ठीक है, तत्काल सुधारों की क्या क्या तत्काल हम सुधार कर सकते हैं, क्या बचत कर सकते हैं इसकी पहचान करना, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, ऊर्जा की खपत के लिए एक आधार रेखा या एक संदर्भ बिंदु मतलब एक रेफरेंस पॉइंट के बारे में हम सेट कर लेंगे कि ऊर्जा की खपत के लिए कि इससे ज़्यादा अगर खपत हो रही है तो हम कहेंगे कि नहीं ऊर्जा की खपत ज़्यादा हो रही है, और उससे कम हो रही है तो हम कहेंगे ठीक है ये ओके है, इस प्रकार से एक साबित करना, ठीक है, एक क्षेत्रों की पहचान करना बेहतरीन अध्ययन के लिए, अच्छे अध्ययन के लिए ऊर्जा की, ठीक है, जैसे कहीं से रिसाव हो रहा है, ठीक है, भाप का या संपीड़ित हवा का कंप्रेस्ड एयर का, तो उसको रोकना, ये सब भी प्राइमरी की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, प्राइमरी की श्रेणी में आते हैं, जैसे इस पंखा कहीं है, ठीक है, और कहीं मान लो प्लांट में या कहीं भी जो अतिरिक्त हवा निकल रही है कहीं से उसको भी, क्योंकि हवा को पैदा करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, कोई ना कोई ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, उसको नियंत्रित करना, ज़रूरत ना होने पर उपकरणों को बंद करना, ठीक है, मान लो कहीं पे LED जल रही है या पुराने वाले बल्ब जल रहे हैं तो उसको रिप्लेस करना CFL से या LED से, तो ये भी एक तरीके का हो गया है ना, ये भी एक है कि जरूरत लैंप की जगह लैंप लैंप के साथ स्थापित करना, ठीक है, और ये सब चीज़ें कि जहाँ पे हमें भाप की मांग है, मतलब जहाँ पे हम प्राइमरी लेवल मतलब बहुत बेसिक लेवल पे जो हम सुधार कर सकते हैं, जहाँ गुंजाइश है ऊर्जा की बचत की, उसको अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो प्राइमरी लेवल में आता है, उनमें इन सब चीज़ें आती हैं, आप इसमें से 4-5 पॉइंट को भी एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब होता है टारगेटेड एनर्जी ऑडिट, टारगेटेड मतलब होता है लक्ष्य बनाते हो, देखो लक्ष्य क्या हो सकता है, जैसे आपने एक बेसिक आइडिया आपने लिया और लक्ष्य मतलब ये हुआ कि हमें किसी संस्था को या किसी संगठन को या किसी उद्योग को लक्ष्य बनाया, ठीक है, और उस लक्ष्य को बनाने के बाद उस उद्योग में क्या करते हैं कि जो भी आपने प्रारंभिक रूप से जो ऑडिट किया था, प्रारंभिक ऑडिट से जो डाटा प्राप्त हुआ है उस डाटा का इस्तेमाल करेंगे, उस डाटा के द्वारा आप एक बचत प्रणाली विकसित करेंगे, जैसे कि आपने ऑब्जर्वेशन में देखा था कि कहीं से गैस का रिसाव या कहीं से भाप का रिसाव हो रहा है, तो एक ऑब्जर्वेशन आपने बनाया, ठीक है, और उन ऑब्जर्वेशन का आप लक्षित ऊर्जा लेखा परीक्षा में यूज करेंगे, मतलब आपने डाटा जो है गणना के लिए डाटा जो है आपने प्रारंभिक लेवल से लिया, ठीक है, प्रारंभिक लेवल से लिए और उसको यूज किया, उसका विश्लेषण किया और उसके हिसाब से आपने फिर उस पर प्रबंधन किया या उस पर कुछ समाधान या सिफारिशें बताई, ठीक है, जैसे मुझे उदाहरण उन्होंने बताया है कि जैसे मान लो कहीं पर एक संगठन है, कोई कंपनी है, उसके पास एक कोई बॉयलर सिस्टम है या स्टीम सिस्टम है या कंप्रेसर सिस्टम है, तो एक लक्ष्य हो गया ना कि हमारे पास एक स्टीम या बॉयलर है, ठीक है, स्टीम है या बॉयलर कुछ भी है, तो यहाँ पे आप किस तरीके से ऊर्जा बचत को उसके दृष्टिकोण से समझ सकते हो या यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी, तो इस पर थोड़ा विस्तृत पैमाने पे मतलब थोड़े से बड़े पैमाने पे होता है एज़ कम्पेयर टू प्रारंभिक लेवल, ठीक है, और लास्ट में जब भी हम किसी चीज़ का ऑडिट करते हैं या परीक्षा करते हैं तो एक लास्ट में हम क्या देते हैं, लास्ट में हम एक तरीके से अपनी सिफारिशें देते हैं कि ये सिफारिशें आप करो तो आपका बचत होगा, ऊर्जा का बचत होगा, ठीक है ना, तो ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्लीज़ एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे लिखने के, ठीक है, जैसे ये है कि विस्तृत लेखा परीक्षा ये क्या होता है, देखो डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट में क्या होता है कि ये थोड़ा बड़े लेवल पे होता है, सबसे बड़े लेवल पे होता है, ठीक है, विस्तृत है तो ये बड़े पैमाने पे होगा,
और बड़े पैमाने पर होने के साथ इसमें हम कार्य योजना के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ सिर्फ एक लक्ष्य के बारे में बात नहीं करते हैं, यहाँ हम योजना बनाते हैं। योजना इस प्रकार से बनाते हैं कि ये सभी प्रकार के संगठनों, सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड, जहाँ भी ऊर्जा का हमारे पास एक इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पे हम किस प्रकार से ऊर्जा बचत की क्रियाविधि को उपलब्ध करा सकें, किस प्रकार से ऊर्जा को हम बचाव के तरीके बता सकें, सिफारिशें बता सकें, या जो भी हम प्राइमरी लेवल पे सीखे हैं, लक्षित लेवल पे सीखे हैं, उसको इसमें हम यूज कर सकें। ठीक है, तो एक व्यापक प्रकार होता है ये ऑडिट का। ठीक है, ये बेसिकली एक तरीके का योजना क्रियान्वयन का परिणाम होता है। ठीक है, योजना को इम्प्लीमेंट करने का परिणाम होता है। ठीक है, और उसमें उनका इस्तेमाल किया जाता है जो हमको प्राइमरी लेवल पे या लक्षित लेवल पे ऊर्जा के हमें जो भी डाटा या हमारे जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो उसके आधार पे हम विस्तृत ऊर्जा परीक्षा की रिपोर्ट को तैयार करते हैं, सजेशंस देते हैं या कार्य योजनाएँ बनाते हैं। तो विस्तृत ऊर्जा ऑडिट के लिए भी हमारे पास कुछ 10 प्रकार के चरण होते हैं। 10 चरण में इसको किया जाता है। जब भी योजना बनाई जाती है तो कोई ना कोई स्टेप्स लिए जाते हैं ना, कि पहले स्टेप में हम ये काम करेंगे, दूसरे स्टेप में हम ये काम करेंगे, तो ऐसे टोटल 10 स्टेप्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले थोड़ा एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे हमारे पास, मान लो कि एक हमारे पास कोई उद्योग है, बिजली उत्पादन होता है, मान लिया एनटीपीसी के प्लांट है। ठीक है, एनटीपीसी के प्लांट है, क्योंकि बॉयलर मिल जाएगा आपको आराम से, स्टीम मिल जाएगी, ठीक है, भाप मिलेगा, कंप्रेसर एयर मिलेगा, सब मिलेगा। एक पावर प्लांट में मैक्सिमम चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक पावर प्लांट से आपने लक्ष्य द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया। ऐसे दुनिया में या इंडिया में बहुत सारे प्लांट्स होंगे, बहुत तरह के प्लांट्स होंगे। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होंगे जो इससे रिलेटेड हों, लेकिन ये जैसे स्टील प्लांट हो सकता है, सीमेंट प्लांट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसा प्लांट है, ठीक है, जहाँ कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। तो इन सभी को अगर हम अलग अलग योजनाएं नहीं बनाएंगे, अब अलग हम कहेंगे कि एक बेसिक योजना बनाते हैं जो सभी बड़ी उद्योगों को कवर करता है जहाँ पे ऊर्जा बचत की गुंजाइश होगी, तो वो उस तरह की योजनाओं को ही हम विस्तृत श्रेणी में शामिल करते हैं। ठीक है, उसी तरह की योजना विस्तृत में शामिल होती है। अब थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं, तो एक हमारे पास टॉपिक आता है जिसे कहते हैं ऊर्जा ऑडिट विधि, मेथड्स, ठीक है, या किस प्रकार से ऊर्जा को ऑडिट किया जाता है, कितने चरणों में किया जाता है, इस बारे में। और ये जो ऑडिट्स की जो विधि आती है ना, ये ना प्राइमरी लेवल पे होती है, न लक्षित न टारगेटेड लेवल पे होती है, ये होती है सिर्फ डिटेल लेवल पे। डिटेल मतलब क्या हुआ बेटा, विस्तृत लेवल पे। जो तीसरा वाला हमारा प्रकार था ऊर्जा के ऑडिट का, विस्तृत वाला, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये आते हैं ऑडिट के मेथड्स, क्योंकि वहाँ पर मेथड्स की आवश्यकता पड़ती है, तरीके की आवश्यकता पड़ती है, मैकेनिज्म चाहिए, क्रियाविधि चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको योजना बनानी है। वहाँ सिर्फ आपको ये नहीं कहना है कि गैस का रिसाव हो रहा है तो बंद कर दिया, लाइट जल रही है तो फ़ैन ऑफ कर दिया, चेक गणना कर लिया कितना कितना, नहीं, आपको पूरे बड़े स्तर की योजना बनानी है। और योजना बनाने के लिए आपको मेथड्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो यही लिखा है कि जो विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा है वो 3 चरणों में की जाती है। और पहला चरण है प्री ऑडिट, ऑडिट फेज और पोस्ट ऑडिट। प्री ऑडिट, ऑडिट फेज और पोस्ट ऑडिट, ये हमारे पास 3 तरह के चरण होते हैं। एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अब प्री ऑडिट क्या होता है? देखो, प्री ऑडिट क्या होता है कि जब भी हम साइट पे किसी भी जगह, जैसे कि हम साइट पे सबसे पहला काम क्या होता है ऑडिट करने से पहले, कि हम साइट के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रारंभिक अध्ययन करते हैं। जैसे साइट कहाँ पे, स्थान क्या है, वहाँ की जलवायु क्या है, ठीक है, लोकेशन, ठीक है, उसके साथ साथ वहाँ पे क्या क्या सामग्री
अवेलेबल है, क्या कच्चा सामान है, ठीक है, क्या रॉ मटेरियल है, तो तमाम चीज़ें जो आप एक सर्वे के दौरान करते हैं किसी जगह, जैसे रोड बनता है ना, कभी रोड बनना आपने देखा होगा, कभी भी जब रोड बनता है खेत, जब भी सरकार अधिग्रहण करती है तो ये देखती है कि कितने मकान हमारे रास्ते में पड़ेंगे, मंदिर कौन सा या मस्जिद कौन सा, कोई भी धार्मिक स्थल, या कहीं कोई नदी तो नहीं पड़ रही है बीच में, कहीं कोई तालाब तो नहीं है ना, इस तरह की चीज़ें, कहीं कोई कमर्शियल चीज़ तो नहीं पड़ रही है। फिर उस हिसाब से जब एक खाका तैयार हो जाता है तो फिर हम कहते हैं ठीक है, सर्वे हो गया, मतलब मोटा मोटा सर्वे हो गया, इस इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो मान लो हमारे हमें जब रोड रास्ता बनाना था, रोड बनाना था, सड़क बनानी थी, सब मुझे से रोड बनना था, ठीक है, तो हमें आवश्यकता होगी कि ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, तो रास्ते में ये चीज़ें पड़ेंगी, तो उस हिसाब से हम इंजीनियर क्या करते हैं कि एक एस्टिमेट बनाते हैं, आकलन करते हैं कि यार इतना खर्चा हमारा आएगा, इतना हमारा वहन करना पड़ेगा, इतनी हमारी ऊर्जा लगेगी, या हमारा ये सब चीज़ें लगेंगी, तो उसके बाद रिपोर्ट बनता है। तो जो पहला काम हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ साइट को विजिट करना, ठीक है। तो जो प्रारंभिक साइट का जो दौरा होता है, जनरली 1 दिन का या 1.5 दिन का, 2 दिन का मैक्सिमम होता है, तो 1 दिन में लिखा है कि 1 दिन का दौरा होना चाहिए, ठीक है, प्रारंभिक में 1 दिन का दौरा होना चाहिए। और वो जो ऑडिट करने के लिए जो व्यक्ति जा रहा है या इंजीनियर जा रहा है, तो उसे कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्या क्या रखना चाहिए कि ऊर्जा लेखा परीक्षा के क्या उद्देश्य हैं, मतलब हम ऑडिट क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में साइट के जो प्रबंध निदेशक है, प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, सीनियर लेवल पर, उससे चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। उसको बताना चाहिए, ऑडिट के लिए जो व्यक्ति आया है उसको बताए कि इसका उद्देश्य क्या है, ऑडिट करने का क्या क्या सुविधा मिल सकती है, या क्या क्या आपको जानकारी चाहिए, उस जानकारी की तरफ उसको इंगित करना चाहिए। लेखा परीक्षा जाएगा साइट पे तो वहाँ पे ये भी चर्चा करेगा कि क्या क्या सिफारिशें हैं सरकार की तरफ से, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, इनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद कि वहाँ पे ऊर्जा खपत के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उसका डाटा इकट्ठा करेगा, पर कितने वहाँ पे अगर पंप्स लगे हैं, कितने वहाँ मोटर्स लगे हैं, कितने जनरेटर्स लगे हैं, है ना, जो भी वहाँ पे ऊर्जा के खपत करने के जो भी वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें लगी, उसका डाटा विश्लेषण करेगा, ठीक है। अब वहाँ पे देखेगा, एक लेआउट देख सकता है कि भवन का लेआउट क्या है, ठीक है, भाप वितरण की स्थिति किस प्रकार से, स्टीम का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, एयर कंप्रेशर में डिस्ट्रीब्यूशन है, या बिजली के वायर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जाके देखेगा नहीं, वो सीधा मतलब वो प्राप्त कर सकता है। लेआउट होता है ना, जैसे एक आपको मैप मिल जाएगा तो पता चल जाएगा कि भाई भाप की पाइप इधर, पाइप इधर गई है, बिजली का हमारा वायर ऐसे ऐसे है, तो जनरल आइडिया ले लेगा कि अच्छा हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से कि यहाँ पे लेआउट इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वो साथ साथ में जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी लोग हैं, उनके साइट पे जा कर के वहाँ पे बार विजिट करेगा, ये सब चीज़ें उसे करनी चाहिए। तो करने के बाद फिर क्या इसके परिणाम होने चाहिए, क्या परिणाम होना चाहिए, परिणाम ये देखो होना चाहिए कि एनर्जी ऑडिट के लिए जो टीम जाती है ना, उसको फाइनल एक रूपरेखा दे, एक अंतिम निर्णय रूप में बताए कि एक तरीके से एक अपनी रूपरेखा तैयार करे, ठीक है, जिससे ऊर्जा बचत के प्रभावों को, कारकों को प्रभावी किया जा सके। लेखा परीक्षा से प्रबंधन की क्या अपेक्षा है, भाई प्रबंधन की जो मैनेजमेंट है, भाई हमारी कंपनी हम क्या चाहते हैं, ठीक है, उसको वो जाने, उससे समझे, कोई कंफ्यूजन हो, कहीं कोई समस्या हो उसको दूर करे, ठीक है। लेखा परीक्षा के दौरान जो मुख्य ऊर्जा खपत वाले हमारे क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ क्या क्या वस्तुएं हैं, वहाँ की पेड़ पौधे क्या हैं, ठीक है, वहाँ की लोकेशन क्या है, का अध्ययन करना, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। फिर वहाँ पे ये देख सकता है कि बिजली का क्या भाप, तेल, गैस से खपत के जो खपत हो रही है ऊर्जा के लिए, उसके मापन के लिए क्या किस क्या स्टैंडर्ड्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब उस पर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑडिट हो गया तो बस
उसके बाद कोई उस पर रिजल्ट नहीं है, इससे रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है, समय सीमा पे ऑडिट की योजना बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ऑडिट कर लिया और उसको बस्ते में डाल दिया, तो टाइम से हो जाना चाहिए, ठीक है, जल्दी होता नहीं है, ठीक है। तो डाटा इकट्ठा करना, लोगों को जागरूक करना, बताना, समर्थन हासिल करना अपने वर्क वहाँ के वर्कर्स का, लोगों का, कि एक अवेयरनेस की तरह कि आप अगर इस प्रकार से करेंगे तो आपके और कंपनी दोनों के हित के लिए ये चीज़ें उतनी अच्छी होती हैं, तो ये सब बातें करना, ठीक है। फिर आता है ऑडिट चरण, ऑडिट फेज, तो इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, थैंक यू।